अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA में भारत के राजनयिक कौशल ने चीन के यूनाइटेड ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड अमेरिका के खिलाफ अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर किया। भारत के इस कदम की कई देश तारीफ भी कर रहे हैं। तारीफ करने वाले देशों में अमेरिका भी शामिल है। चीन ने 26 सितंबर से 30 सितंबर तक वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आम सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की। आकस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका सुरक्षा एजेंसी साझेदारी की पिछले साल सितंबर में घोषणा की गई थी कि इसकी जानकारी सूत्रों ने दी। सूत्रों ने कहा कि चीन ने तर्क दिया कि यह पहल परमाणु अप्रसार संधि के तहत उनकी जिम्मेदारियों का उल्लंघन है। साथ चीन ने इस संबंध के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका की भी आलोचना की। सूत्रों के मुताबिक चीन के ये प्रस्ताव IAEA में आने के बाद भारत ने अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू किया। भारत के IAEA के कई छोटे देशों को इस प्रस्ताव के खिलाफ काम करने के लिए मना लिया। इसके लिए वियना में भारतीय मिशन ने IAEA के कई सदस्य देशों के साथ मिलकर काम किया। भारत की सफल कूटनीति का ये असर हुआ कि चीन को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। वियना में भारतीय मिशन ने इस संबंध में कई IAEA सदस्य देशों के साथ मिलकर काम किया। सूत्रों ने बताया कि भारत की कुशल और प्रभावशाली कूटनीति की IAEA के सदस्य देशों विदेश रूप में आकर सदस्यों ने सराहना की। सूत्रों ने कहा कि भारत की सुविचारित भूमिका ने कई छोटे देशों को चीनी प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख अपनाने में मदद की। जब चीन ने महसूस किया कि उसके साथ प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिलेगा तो उसने 30 सितंबर को अपना मसौदा प्रस्ताव वापस ले लिया। सूत्रों ने बताया कि भारत की कुशल और प्रभावशाली कूटनीति को IAEA के सदस्य देशों विशेष रूप से आकर सदस्य ने सराहना की। तो देखा आपने कि चीन के इस नापाक इरादे को किस तरह भारत ने कूटनीति कर बेकार किया। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।